आइए और जानकारी लेते हैं इन किसानों के जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर आपका नाम? गंगेश्वर दत्त शर्मा। आज देश का किसान संसद इस बात को लेकर के आया है कि लगातार किसानों की मांगों की सरकार उपेक्षा कर रही है। एक आयोग बना स्वामीनाथन आयोग, जिसकी सिफारिशों को सरकार ने आज तक लागू नहीं किया है। किसानों का फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उनके कर्जों की माफ़ी नहीं हो रही है, उनके जो कृषि के तमाम जो उत्पादन के जो साधन है जीएसटी के बाद और महंगे हुए, खाद, यूरिया, ट्रैक्टर, तमाम चीज़ों को और महंगा कर दिया गया है। किसानी करना आज जो एक जो है बहुत बड़ा जोखिम का काम हो गया है। हम मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार किसानों की मांगों को माने, स्वामीनाथन आयोग की तमाम सिफारिशों को लागू करें, किसानों के सभी प्रकार के कर्जों को माफ़ करें, 60 वर्ष से ऊपर के जो किसान हैं उनको 5000 रुपये महीने पेंशन दे। इन तमाम मांगों को लेकर के यहाँ किसान आए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो एक बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर किया जाएगा। इससे बड़ा भी कोई आंदोलन होगा जी? क्या देश का तमाम किसान सड़कों पे होगा इस सरकार की नीतियों के खिलाफ़?